हेलो गाइस, मेरा नाम है कासिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टेकी फ्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं टॉप 5 व्हाट्सएप ट्रिक्स के बारे में, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अभी तक ये ट्रिक्स नहीं यूज़ कर रहे थे, और आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आपका व्हाट्सएप एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो वीडियो एंड तक के ज़रूर देखना। और दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ गिव अवे भी चल रहा है, और हमने एक टारगेट रखा है कि हमें 10,000 सब्सक्राइबर एक महीने में पूरा करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और दोस्तों, इस जो सीरीज़ है टॉप 5 ट्रिक्स का, एक और पार्ट मैं इस पर बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रिक नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, वो स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप स्टेटस किसी अपने फ्रेंड का देख भी लें और उसको पता भी ना चले कि आप अपने आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया है, तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। वो एक बस एक क्लिक की चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। तो बस आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में। दोस्तों, ऊपर आपको स्टेटस में आएंगे आप, अगर ऊपर आपको वहाँ पर 3 डॉट का आइकन मिलता है तो आपको दोस्तों वहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा स्टेटस प्राइवेसी का और एक मिलेगा स्टेटस सेटिंग्स का ऑप्शन। तो सेटिंग्स में जाना है आपको। तो सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा था। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है अकाउंट में, फिर आपको जाना है प्राइवेसी पर, और दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, वहाँ पर आपको मिलेगा रीड रिसिप्ट। तो दोस्तों, जनरली ये नॉर्मली ऑन होता है, उसको कर देना है आपको ऑफ। और दोस्तों, उसके बाद अगर आप किसी अपने दोस्त का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस अकाउंट में अपने मम्मी के फ़ोन का एक स्टेटस मैंने डाला है, वो मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, ये देखा मैंने आपके सामने। और दोस्तों, जैसे ही मैं अगर उस पर क्लिक करूँगा और व्यूज़ में जाऊँगा, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा मेरा नाम, ये किसी और का नाम है, ये मैं नहीं हूँ, उसने दूसरे ने स्टेटस देखा। मेरा नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने रीड रिसिप्ट ऑफ कर दिया है। और ये ट्रिक यूज़ करके आप अपने दोस्तों का स्टेटस भी देख सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देख लिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी सेकेंड ट्रिक की तरफ। दोस्तों, ये जो ट्रिक है काफ़ी सही ट्रिक है। तो दोस्तों, जनरली आप व्हाट्सएप लॉक करने के लिए एक ऐप लॉक आपको डाउनलोड करना पड़ता है, या फिर आप अपने फ़ोन का ऐप लॉक फीचर जो है वो यूज़ करके आप व्हाट्सएप को लॉक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बताया है ट्रिक में, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं, यानी ये व्हाट्सएप का इनबिल्ट फीचर है, वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक या लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको बस जाना है सेटिंग्स में, और फिर वहाँ से आपको जाना है अकाउंट पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी के अंदर। तो और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपको इनेबल कर देना। मेरा यहाँ पर इनेबल्ड है। और उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस सेट कर लेनी है कि आप ऑटोमेटिकली लॉक कितने देर में चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमीडिएटली पे रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप, मैंने इमीडिएटली पे रखा है तो तुरंत बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, वो भी व्हाट्सएप लॉक या फिर ऐप लॉक इन जनरल के रिलेटेड है। तो दोस्तों, जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन अपनी सेव करनी है तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप लॉक कर देते हैं, इंस्टाग्राम लॉक कर देते हैं, या फिर हमारी गैलरी लॉक कर देते हैं, या फाइल मैनेजर लॉक कर देते हैं एक ऐप लॉक के थ्रू। लेकिन दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग क्रोम को लॉक नहीं करते, यानी क्रोम हमारा अनलॉक रहता है और कोई भी उसे यूज़ कर सकता है अगर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया तो। तो दोस्तों, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोम के थ्रू आपका पूरा फ़ोन का डेटा वहाँ पर एक्सेस कर सकता है, जिसके हाथ में भी ये, अगर उसको ये कोड अगर पता रहा तो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन का जो भी फाइल मैनेजर है वो क्रोम में खोल सकते हैं, इवन आपका अगर फाइल मैनेजर लॉक्ड है तो भी आप खोल पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कोड है जो है फाइल कोलिन /SD कार्ड और / आप अगर वहाँ पर टाइप करेंगे क्रोम में, और इवन इसके लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए आपको। तो दोस्तों, आपको अगर फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके जो फ़ोन में सारा जो कच्चा चिट्टा है आपके फ़ोन का आपको सामने आ जाएगा दोस्तों। और अगर आपका फाइल मैनेजर लॉग, फ़र्क नहीं पड़ता आपका फाइल मैनेजर लॉग है या फिर कौन सी भी ऐप लॉक है, यहाँ पर आपकी सारी जो फ़ोन में जितने भी डेटा है सब यहाँ पर आपके एक्सेस कर सकते हैं आप। यहाँ से दोस्तों, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, आप व्हाट्सएप का इवन डेटाबेस हो गया, या फिर किसी भी ऐप का डेटाबेस हो गया, यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अगर आपके फ़ोन में कोई कॉन्फिडेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि किसी के हाथ ना लगे, तो दोस्तों क्रोम को लॉक करना ना भूलिएगा।
वरना यहाँ पर आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ, और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, या फिर आप इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ले सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है कि हमें किसी कॉन्टैक्ट पे या किसी नंबर पर हमें कुछ इमेजेस भेजनी होती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, और आप नहीं चाहते कि आप उस बंदे का नंबर अपने फ़ोन में सेव कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप में ये फीचर है ही नहीं कि आप बिना सेव किए किसी का नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन में बिना नंबर सेव किए भी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कोई भी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, वापस से आपको आ जाना है क्रोम में, और यहाँ पर आपको टाइप करना है wa.me/ आपका कंट्री कोड, जो भी कंट्री में आप रहते हैं, यानी मैं इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा 91। तो दोस्तों आपको अपना डालना है कंट्री, मोबाइल जो टेलीकॉम कोड होता है वो डालना है, और फिर उसके बाद डालना है आपका जो भी आप जिस भी नंबर को मैसेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में इस जो ये वाला नंबर है वो सेव्ड है, तो यहाँ पर जब मैं एंटर करूँगा तो सेव मुझे दिखाएगा नंबर, लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो वो चैट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना जो भी है नंबर मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है इतना ऐड करके आपको करना क्या है, बस करना है एंटर। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी जिस पर लिखा होगा चैट ऑन व्हाट्सएप विथ 9 जो भी नंबर है, तो यहाँ पर करना है कंटिन्यू टू चैट, उसके बाद आपका खुल जाएगा व्हाट्सएप। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में नंबर सेव्ड है तो कॉन्टैक्ट खुलेगा, नहीं सेव्ड है तो आपके यहाँ पर सिंपली चैट का विंडो खुल जाएगा, और वहाँ से आप कोई भी यहाँ पर नॉर्मली जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो दोस्तों, कि काफ़ी बार क्या होता है हम अपना फ़ोन नंबर या फिर फ़ोन में किसी और का नंबर सेव नहीं करना चाहते, तो ये ट्रिक उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आती है। तो दोस्तों ये भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं यानी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही जाता है, ना तुम्हारा कुछ जाता है ना हमें कुछ मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं आई बटन पे ऊपर वीडियोज़ भी दे रहा हूँ तो वहाँ से भी देख लेना। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की तरफ, यानी जो है ट्रिक नंबर 5, और ये काफ़ी सही ट्रिक है। यानी यहाँ जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों कि व्हाट्सएप पर अनसेंड वाला फीचर भी आ गया है, मतलब काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था, कि जहाँ पर आप मैसेज डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप काफ़ी बार क्या होता है दोस्त मैसेज करके डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप पूरा दिन बैठ के सोच सकते हैं कि क्या मैसेज था वो, या फिर आप इस ट्रिक का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि वो क्या मैसेज था। तो दोस्तों यहाँ पर प्ले स्टोर पर काफ़ी ज़्यादा फेक यहाँ पर जो ये ऐप भी चल रहे हैं कि जहाँ पर आप मैसेज रीड कर सकते हैं डिलीटेड, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐड होता है। तो मैं इस ट्रिक में बताने वाला हूँ, एक सिंपल सी ऐप, छोटी सी ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है WAMR। तो दोस्तों बहुत ही छोटी सी ऐप है और बहुत सिंपल टू यूज़ है, आपको बस इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में और सारी जो भी एक्सेस है उसको दे देना है, और इवन व्हाट्सएप नहीं, आप इसे किसी भी चीज़ का आप डिलीटेड मैसेज देख सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, किसी भी ऐप का आप डिलीटेड मैसेज इस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है आपको, बस यहाँ पर सेटअप कर लेना, और फिर अगर आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो रेड में मैसेज दिखेगा वो मतलब आपका डिलीटेड मैसेज था। तो जैसे मैं दोस्तों दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, ये मैंने अपने फ़ोन से ही किया था मैसेज खुद को, पता नहीं मैंने खुद को क्यों ऐसे बोला, पर ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिलीट किया हुआ है मैसेज एक, और फिर मैं अगर उस ऐप में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज दिखा रहा है कि यू आर एन एसोल, जो मैंने खुद को ही लिखा था पता नहीं क्यों। तो दोस्तों ये ट्रिक यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका दोस्त आपको गाली लिख के भेज रहा है या फिर सही में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो दोस्तों काफ़ी सही ट्रिक है यूज़ करने के लिए, और काफ़ी सिंपल भी है आपको, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास ये हथियार है और आप उसे पीछे चूरा भूक देना, नहीं 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 चूरा नहीं भूकना भाई, वॉयलेंस नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वही पुराना वाला जो भी है कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी जल्द चाहूँगा अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल रख लेना, टिल देन गाइस।